इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। आदमी ढोने का काम करें तो एक तरफ मजदूरों को वापस ले जाने के लिए भारत सरकार को पैसा नहीं, फोन बांटा जा रहा है उनके इनके वर्कर्स के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाएगा तो वाड्रा परिवार को अपनी सरकार पर ही विश्वास क्यों नहीं है। 7 जून रविवार को अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस रैली के लिए पार्टी ने 72,000 LED स्क्रीन की व्यवस्था की। आपको बता दें बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि इस रैली का बिहार के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूँ, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। अगर इसका बिहार के चुनाव से कोई संबंध नहीं है तो अमित शाह बार बार रैली में बिहार के लिए मोदी सरकार ने क्या किया इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। मित्रों, आज इस रैली के माध्यम से बिहार के लाखों कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी के इस मंच के साथ जुड़ी है। मैं सभी को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी बिहार की जनता के सामने अपनी झोली लेकर वोट मांगने आए, मोदी जी की झोली को आपने वोटों से भरकर पूर्ण बहुमत दोनों बार दिलाया है। मोदी जी ने 6 साल के अंदर बिहार के लिए ढेर सारा काम किया है। ये नई टर्म के अंदर ही हमने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, इससे बिहार के शहद, सब्जी, मछली, दूध और औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को 100% टीकाकरण से मदद मिलेगी। 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो फूड एंटरप्राइज को दिया है, इसमें मखाना को हमने रखा है उत्पादन में पहले स्थान पर। जो अभी मखाना है इसके क्लस्टर डेवलप करने के लिए भी योजना बनाई है। देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ NDA की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने भी अमित शाह की रैली को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और इस रैली के ऊपर इन्होंने 100 करोड़ खर्च कर दिए हैं। जब कभी इन लोगों की रैली होती है तो ये लोग पैसे के बल पर आदमी ढोने का काम करें। तो एक तरफ मजदूरों को वापस ले जाने के लिए भारत सरकार को पैसा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फंड में कहां से इतना पैसा आता है ये तो हम लोग भी देखकर हतप्रभ कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार वहां पे फोन बांटा जा रहा है अपने उनके इनके वर्कर्स के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा, और हमको लगता है कि 1 लाख फोन बांटा गया होगा भिन्न भिन्न जिलाओं में, जो होटल से या जो कई जो गेस्ट हाउस है उनका रूम बुक कराया जा रहा है, उन लोगों को ले आके वहाँ रुकवाने की व्यवस्था हो रही है। तो ये पैसे तो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं और ये पैसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निधि से आ रहा है, उनके कोष से आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कम से कम हम लोगों को, हम जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ताओं को समझ से बाहर है। अमित शाह ने कोरोना संकट में सरकार की तैयारी को लेकर कोई बात साझा नहीं की है। देश में कोरोना से उत्पन्न हो रही परेशानियों का जिक्र नहीं किया। अमित शाह रैली में मोदी सरकार की कोरोना संकट को लेकर तारीफ करते ही नजर आए। मित्रों, कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, लोगों को जोड़ा, उनको सावध किया, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ाई और मोदी जी ने जनता का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ साथ हमने व्यवस्थाएं भी करी है, पक्षापक्षी से दूर रहकर किसी भी पार्टी की सरकार हो। मोदी जी ने 5 बार जनसंवाद किया है, मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है, इनके सुझाव लिए हैं और एक सुग्रथित नीति बनाकर समय समय पर नीतियों में परिवर्तन करते हुए आज ये पूरी लड़ाई इस मुकाम पर हम लेकर आए हैं। नेतृत्व की दूरदर्शिता का परिणाम है, ये नेतृत्व की सफलता का द्योतक है और ये नेतृत्व के प्रति देश की जनता के विश्वास का द्योतक है। मगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद
कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी, सरकार का नेतृत्व तो लड़ा। इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर। कोरोना के केस लगातार भारत में बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना महामारी में हमारा देश छठे स्थान में आ चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में 10,000 कोरोना केस रोज के आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन भी खोलना शुरू कर दिया है। राज्यों के साथ केंद्र द्वारा साझे किए गए आधिकारिक अनुमानों से पता चला है कि 15 जून को कोरोना वायरस के सकारात्मक मामले की संख्या 3,95,000 से ऊपर होगी, जबकि भारत में हर दिन 22,000 से ऊपर नए मामले दिखाई देंगे। इसी तरह 30 जून को कुल मामले 11,22,000 से ऊपर होंगे, जबकि प्रतिदिन नए मामले 75,415 होंगे। 15 जुलाई को भारत में प्रतिदिन 2,13,982 नए मामले दिखाई देंगे और कोविड 19 के पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या 31,85,000 से ऊपर होगी। वहीं 31 जुलाई तक कुल मामले सिर्फ 1 करोड़ के तहत होंगे। सटीक होने के लिए ध्रुवीकरण मॉडल ने मामलों की गणना 96,90,715 के रूप में की है, जिसमें प्रतिदिन 6,50,000 से ऊपर नए मामले जोड़े जाएंगे। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके अलावा अमित शाह ने रैली में एक और बात कही है कि ये रैली कोई राजनीतिक दल की गुणगान करने की रैली नहीं है। और ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है, देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। अगर ऐसा है तो अमित शाह इस रैली में सर्जिकल स्ट्राइक, CAA, ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 का जिक्र क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुस कर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। ट्रिपल तलाक 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहाँ बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। तो नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने इस रैली में सीमा की सुरक्षा को लेकर मोदी के गुणगान भी किए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे समय में भी उरी हुआ, पुलवामा हुआ, मगर ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घस में घुस कर दंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया। पर अगर हाल ही के हालातों की बात करें तो भारत और चाइना के बीच सीमा पर तनाव अभी भी जारी है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चाइना की सेना इंडिया के भीतर आ चुकी है। ऐसे में हमारा मीडिया भी संकट की बात ना कर मोदी सरकार की तारीफ करने में जुटा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर घाटी में लड़ाई है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से सामना करना है और भारत सबका माकूल जवाब दे रहा है। दुनिया के हौसले सिर्फ एक वायरस से लड़ने में पस्त हैं। ये हिम्मत है हिंदुस्तान की कि वायरस से भी लड़ रहा है, वायरस के आका चीन से भी लड़ रहा है और चीन के चेले पाकिस्तान से भी लड़ रहा है। तीन मोर्चे, तीनों जटिल मोर्चे,
चीन को आखिरकार बातचीत के लिए झुकना पड़ा है। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में तनाव का नया बहाना तलाशने वाले चीन की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों को बातचीत के लिए आना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान ने चीनी घुसपैठ के आगे अपना सख्त और अडिग रवैया बरकरार रखा। भारत की अगर चीन को विश्वास है सीमा विवाद बातचीत से हल हो जाएगा, तो वाड्रा परिवार को अपनी सरकार पर ही विश्वास क्यों नहीं है? क्या उन्हें अपनी सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार विरोध के नाम पर देश का और देश की सेना का विरोध क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? अमित शाह कहते रहे कि ये रैली कोरोना संकट को लेकर है, पर अमित शाह असल में वैसे ही स्पीच दे रहे थे जैसे वे चुनाव के समय देते हैं। जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अमित शाह जी कैमरे के आगे आ गए, पर इससे पहले जब लॉकडाउन हुआ अमित शाह कहाँ गायब थे, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार कोरोना संकट से लड़ने के लिए क्या तैयारी की गई है उसके बारे में भी जनता को बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।